दिल्ली में शोर शराबा रोड ब्लॉक करने से बांग्लादेश के लोग बच जाएंगे क्या? क्या होगा? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? उनको संदेश पहुंचेगा, उनको संदेश पहुंचेगा कि हम हिंदू एक है, एक है, है कि महिला सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। जो रेप हुआ है अभी कलकत्ता में, तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो वो बच्ची अगर हिंदू नहीं होती, सिर्फ हिंदू नहीं होती, मुसलमान होती, वहाँ की मुख्यमंत्री सबसे पहले अनशन पर बैठती, भूख हड़ताल करती, पूरे देश को इकट्ठा कर लेती। लेकिन वो बच्ची क्योंकि हिंदू थी, डॉक्टर जरूर थी, लेकिन डॉक्टर होकर भी सुरक्षित नहीं रही। और बात अगर बांग्लादेश की करी जाए तो वहाँ जिस तरह से इस्कॉन टेम्पल को जलाया गया, जहाँ शरणार्थियों को भोजन मिल रहा था, वहाँ नहीं देखा जा रहा था कि हिंदू है या मुसलमान, सबको खाना खिलाया जा रहा था। हमारे हिंदू धर्म में यही सिखाया गया है, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। लेकिन क्या किया गया हमारे साथ? हमें ही मारा गया, हमें ही कुचला गया, भगाया जा रहा है। वो शरण में आ रहे हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। पूरे विपक्ष ने पूरे मामले में आपने चुप्पी फाड़ी हुई है। आपने देखा, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे कलकत्ता का मामला हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली कहीं नजर नहीं। ये टैगलाइन प्रियंका गांधी हटा लो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ना नहीं है, अपने स्वाभिमान के लिए जीना है। लड़की हूँ सुरक्षित रहना चाहती हूँ, लड़की हूँ इस देश में जिंदा रहना चाहती हूँ, लड़की हूँ पढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे पढ़ाओ, मुझे सुरक्षित रखो, मुझे रेप से बचाओ, तभी लड़की बाहर निकल सकती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ सकती, किस किस से लड़ेगी, किस किस भेड़िया से लड़ेगी? देखो ना कलकत्ता का हाल। आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से कहा कि भाई ऐसी नाजिर बननी चाहिए जो महिलाएं सुरक्षित रह सके। तो महिला सुरक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ किया? दिल्ली की सुरक्षा के लिए महिला कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आज मैं इनसे कहूँ आप अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहोगे, वो नहीं बनाना चाहेंगी, क्योंकि लड़की सुरक्षित नहीं है। मेरी बहू भी अगर ऑफिस जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। अगर बच्ची शाम को देर हो जाती है तो माँ को इतनी चिंता हो जाती है। इसका मतलब लड़की हूँ लड़ सकती नहीं चाहिए, लड़की हूँ सुरक्षित हूँ, ये होना चाहिए। मैम आपने देखा होगा, आपको याद होगा, हाथरस में एक कांड हुआ था, तो उसके लिए उसको लेके तमाम जो विपक्ष था वो पैदल भाग भाग के यात्राएं कर रहा था। देखे, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कलकत्ता का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, आपको नहीं लगता बेटी बेटी होती है, वह चाहे किसी भी राज्य की हो, ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कानूनी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। देखो, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो बच्ची है, सिर्फ एक लड़की है, किसी परिवार की बेटी मान मर्यादा है, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया कि वो एक डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी या हाउस वाइफ भी बनेगी, लेकिन वो दो घरों को तब चला पाएगी जब वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन विपक्ष सारा एक हो जाता है जब किसी और धर्म के बच्ची के साथ अन्याय होता है, और जहाँ हिंदू बच्ची की बात आती है सब मौन हो जाते हैं, सबके मुंह सिल जाते हैं। ममता जी मौन है, ममता जी कुछ नहीं कर रही है उस बच्ची के बारे में। वो पैदल यात्रा निकाल रही है, वो भी आप लोगों की तरह कह रही पैदल मार्च निकालूंगी। क्या होगा पैदल मार्च का? जैसे उसको उसकी अपनी जो व्यवस्था है उसको ठीक करे, जो जो जिसने क्राइम किया है उसको सामने लाए, उनको फांसी दे, मतलब उनको ये आश्वासन दे कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी आगे चल के, उनको ये होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमें सिखाया जाता है बचपन से, हमें गुट्टी में पिलाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर कोई मुसलमान बच्चा या बच्ची किसी कष्ट से गुजर रहा है तो हम सबसे पहले बिना धर्म देखे उसकी मदद करेंगे। हमारे को इंसानियत पहले सिखाई जाती है, हम नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान। भाईचारा तभी बन सकता है जब मुस्लिम लोग भी इसको हिंदुओं को भी अपने बराबर माने। नहीं, वो सुरक्षित नहीं मान सकते हिंदुओं को, क्योंकि जहाँ मेजोरिटी में आ जाते हैं, जहाँ बहुसंख्यक हो जाते हैं, वो तुरंत एकजुट होकर हिंदुओं को खदेड़ना शुरू कर देते हैं उस जगह पर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि विश्व में किसी भी देश में अगर हिंदू रह रहा है तो वो सुरक्षित रहे, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी सुरक्षित रहने का अधिकार है, वो भी एक देश का नागरिक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए, ना कि उन्हें कुचला जाए। हिंदू हिंसक कभी नहीं हो सकता, ये राम और कृष्ण की भूमि है। हिंदू हिंसक कभी नहीं होता, ये साधु संतों की भूमि है। यहाँ हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ, उन्होंने कभी भी आक्रमण नहीं करा। आप किसने भी आतंकवादियों के नाम देख लीजिए, सभी मुस्लिम निकलेंगे। बांग्लादेश में क्या वजह लग रही है? कह रहे कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कहते थे 56 इंच का सीना है, कहा गया 56 इंच का सीना तो कुछ। अरे 56 इंच का सीना तो तभी काम आएगा, मोदी जी अकेले क्या करेंगे? वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष चाहता है कि
कि वो अपने सिंहासन को खाली कर दें, जिस तरह से वो देश की बच्चियों की सेवा कर रहे हैं, देश की बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, देश की महिलाओं का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनको उल्टा करने के लिए ही ये सब कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा नारी शक्ति पर अत्याचार हो रहा है, जेंट्स लोगों को मार दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है, तो बांग्लादेशी और हिंदुओं के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई सरकार अभी काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम लोग अपनी नारी शक्ति मार्च इसलिए निकाल रहे हैं ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और कोई ना कोई कड़ा कानून बनाया जाए ताकि महिलाओं पर अत्याचार ना होने पाए। भैया हम हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अब हम नारी शक्ति जागे हैं तो हिंदुओं को जगाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, किसी का प्रहार नहीं सहेंगे, हम इतने कायर नहीं हैं, हमें कायर मान के हमारे ऊपर जुल्म किए जाते हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं, हम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपने ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे। आपने देखा जो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे कलकत्ता में हो रहा है, पूरे विपक्ष ने इस मामले को लेकर चुपके साथ दिल्ली में शोर शराबा, रोड ब्लॉक करने से बांग्लादेश के लोग बच जाएंगे क्या? क्या होगा? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? उनको संदेश पहुंचेगा कि हम हिंदू एक है, एक है। आप लोग क्या भी हिंदू जगाने की बात कर रहे हैं? ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पे कलंक है। ये वो कह रहे कि आप लोगों ने रोड जाम कर दिया, ऐसे ये रोड जाम करेंगे तभी तो हमारी कुछ सुनेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे, मैं कह रही हूँ हमारी फ्यूचर जनरेशन सुरक्षित रहें, हमारी लड़कियाँ ठीक रहें, हम इसलिए आए यहाँ, हम पूरे वर्ल्ड को अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं, अपनी नारी शक्ति दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ आग भी उठा के मत देना हिंदुओं की तरफ, वरना हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम किसी को कुछ चली गई कह रहे कि आप लोग रोड बोलने से क्या होता है, मैडम के बोलने से क्या होता है, हम यहाँ हजारों मैडमे हैं बोलने के लिए उनके खिलाफ है। का प्रदर्शन है, वो हिंदू नहीं थी इसलिए वो बोल गई हैं, क्योंकि वो अपने विरुद्ध नहीं सुनना चाहती। हम हिंदू हैं, हम शक्ति हैं, हम दुर्गा का रूप हैं, हम दुर्गा करके दिखाएंगे हम इनको कि जो दुर्गा कर सकती हैं वो हम भी कर सकते हैं। हम कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है तो फिर वो बांग्लादेश पे एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? लेंगे, ले तो रहे हैं और कैसे लेंगे, हम उनके साथ हैं, जब हम उनका साथ देंगे तभी वो कुछ ले कर पाएंगे ना, अकेला तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, 140 करोड़ की जनता को वो अकेले कैसे संभालेंगे, हमें खुद को भी अपने आप को मोदी ही कहना चाहिए तभी हम भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम रक्षा करेंगे अपनी तभी हम देश की रक्षा कर पाएंगे, वो हमारा साथ तभी देंगे जब हम उनका साथ देंगे। आपको याद होगा प्रियंका वाड्रा जी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन चाहे किसी भी स्टेट में महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उनकी चुप्पी सज जाती है, अगर यही अत्याचार किसी बीजेपी शासित राज्य में होता है तो सबसे पहले पहुंच जाती है। वो लड़की नहीं है, लड़की होती तो काम करती, वो लड़की नहीं है, वो लड़की होती तो ये बात ना कहती, वो जो लड़कियां हैं वो आज देखो नारियां सारी उतरी हुई हैं रोड पे, पढ़े लिखे कोई अनपढ़ का बात थोड़ी, मैं डॉक्टर हूँ, ये भी पढ़े लिखे, मैंने अपने बच्चे आर्मी में भेजे हैं, जो ना प्रियंका वाड्रा ने अपनी जनरेशन का किसी को आर्मी में भेजे ना राहुल गांधी ने, उनके तो है ही नहीं कोई। अगर वो लड़की थी तो आज उतरती ना सड़कों पे, क्यों नहीं उतरी है? विपक्ष कोई उनके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं रहा, इसीलिए हम नारियों को आना पड़ा है। नहीं ये पॉलिटिशियंस हम चुनते किस लिए हैं कि हमारी रक्षा करें, और ये हमारी रक्षा नहीं करते, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, हमें इतनी शक्ति है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम सब देखा बांग्लादेश में जो विवाद शुरू होता है वो आरक्षण को लेकर शुरू होता है, लेकिन बाद में वहाँ पे जो टारगेट किया गया वो हिंदू महिलाओं को किया गया, हिंदू बच्चों को किया गया, तो इसके पीछे क्या मानसिकता दिखाई देती है? मानसिकता तो साफ है, वो हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं ना कि आरक्षण को, मानसिकता यही है। क्या कहेंगे मैम, क्या मानसिकता थी इसके पीछे? आरक्षण से एक मुद्दा शुरू होता है लेकिन हिंदू महिलाओं, यह इस्लाम की खूबसूरती है कि जो इस्लाम को मानता है केवल वही सही है, बाकी काफिर है और उसको मार दो। यह केवल बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम में जो है यही चलता है, बांग्लादेश उसका एक उदाहरण है, लेकिन यह 1947 में भी हुआ था हिंदुओं के ऊपर, आज 16 अगस्त उसकी भी याद दिलाता है कि उस समय भी हिंदुओं की कत्लेआम और हत्या हुई थी, लेकिन वही मुसलमान 17 अगस्त जब आते आते गोपाल पाठा ने उनको सबक सिखाना शुरू किया तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। आज का जो समय है षठम शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, तो आज हमारे शक्ति प्रदर्शन है कि जो हिंदू है वो अकेला नहीं है और कमज़ोर भी नहीं है, और वक्त का पड़ने पर वो अब स्वयं की रक्षा भी वो कर सकता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये जो नारे दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा केवल
जब हिंदू मरते हैं तो ही, जब मुसलमान पिटते हैं तभी उनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा याद आता है, नहीं तो आज बांग्लादेश में किसी समय 20% से भी ज़्यादा हिंदू थे, आज वो घटते घटते 5% रह गए हैं, और हिंदुस्तान में जो है 20 करोड़ से भी अधिक जो है मुसलमान हो गए हैं। इनसे पूछना चाहिए कि आपके देशों के अल्पसंख्यक कहाँ हैं, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? जो है हिंदू का दुर्भाग्य से स्वभाव था कि वो कायरतापूर्ण आचरण करता है, लेकिन जब हिंदू जाग जाता है तो फिर दुनिया को दिखा सकता है। ऐसा ही एक शक्ति प्रदर्शन आज जो है वो नारी शक्ति फोरम की ओर से यहाँ पर है कि हिंदू कमज़ोर नहीं है, उसको कमज़ोर ना समझें। यह तो कांग्रेस और जो विपक्ष है उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति ही रही है, हमेशा से ही ऐसा रही है कि मुसलमानों के वोट लेने के कारण वो ऐसा आचरण करते हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन इस देश में 80% हिंदू है, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि जब हिंदू अपनी जाति छोड़कर एक होगा कि अगर हिंदुओं के भी वोट लेने हैं तो हमें हिंदुओं को बोलना पड़ेगा। और ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ भी है, पहला उदाहरण है कि सारा जो हिंदू समाज जब एक होकर रहता है तो विपक्ष को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये शक्ति का प्रदर्शन है, आज ही हुआ है, आगे भी करना पड़ेगा।